अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एजी, दिमाग आपका एकदम तेज धारी तलवार है। रूपा को हिरासत में जाने से बचा लिए। वकील से बात करना पड़ेगा। रूपा पर एक भी आंच आई ना तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो भोलेनाथ, मगर हम आपका इशारा समझ गए हैं। जिसके जैसे कर्म उसका वैसा पश्चाताप। रूपा आंटी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भोले अंकल को इतनी जल्दी भगवान जी ने क्यों बुला लिया? वो कितने अच्छे थे, मेरा और पापा को कितना ख्याल रखते थे वो। अब हम आपको कैसे समझाएं बेटा कि वो भोला किसी भेड़िए से कम नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। भोला एक खूनी था, हमारे पति और हमारी बेटी का कातिल। से रोते नहीं है। हाँ, आप जाइए, जाके आराम कीजिए, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये बुलबुल के साथ क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है? बदतमीजी और धोखेबाजी तुम्हारी फितरत में है। बकवास मत करो, जाने दो। आज तो बच गई तुम, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बच पाओगी। अच्छे से जानते हैं कि भोला की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। कुछ नहीं जानते तुम। तुम चलते हो हमसे क्योंकि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा हमारे साथ रहना पसंद करती है। पहले दिन से देख रहे, न जाने कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो हमारे साथ। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। तुम्हारी शादी बढ़िया से करवा रहे हैं देव बाबू, खुश रहना सीखो। और हाँ, अगली बार हमें हाथ लगाने से पहले इजाजत ले लेना, समझे? सब क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हो जीजी? जीजी, क्या कर रही है जीजी? जीजी, मुझे राख मत बनाइएगा जीजी, मैं तो आपकी टीम में हूँ ना। उन तीनों में से एक मर गया। भोला, भोला।
अगर देव का शक सही है कि भोला का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे मारा गया है, तो इसके पीछे एक का हाथ हो सकता है, पारू। पारू नागिन फिर से? जीजी नहीं, जीजी ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे जंगल में जाकर देखना होगा कि पारू अभी भी पत्थर की बनकर वहीं है कि नहीं है, और अगर पारू वहां नहीं है इसका मतलब ये रूपा ही पारू है। अगर ये वही है तो हम दोनों की लड़ाई जिंदा रहेगी, क्योंकि ये अपना बदला जरूर लेगी। मोहिनी को हम पर शक हो गया है। अगर उसने जंगल जाकर देख लिया और हम वहां नहीं मिले तो हे भोलेनाथ, अरे नहीं नहीं बेटा, यहां मत आना, तुम्हारी शादी होने वाली है ना? हाँ, पर मेरा मन था कि मैं यहां बैठूं, वो देव को अच्छा लगेगा। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन होने वाली दुल्हन का ऐसे माथम में शामिल होना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम वहां कोने में बैठ जाना। हाँ, मुझे कौन सा यहाँ रहना था, मुझे तो जंगल जाना है इसकी असलियत पता करने। मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। हमें भी जल्दी से जंगल के लिए निकलना होगा, वरना इस मोहिनी को सच पता चल जाएगा। ये सब करने से भोला की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भोला की आत्मा की शांति के लिए उसके कातिल को सजा देनी होगी। ये क्या कर रहा है तू देव बेटा? भोला की आत्मा की शांति। मैंने कहा ना मां कि भोला को मुक्ति जरूर मिलेगी, लेकिन उसके कातिल को सजा देकर, रूपा को सजा देकर। ए जी, कुछ करिए ना, नहीं तो एमएलए का टिकट हाथ से निकल जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो देव? ये साबित हो चुका है कि रूपा ने कुछ नहीं किया, फिर ये सब क्यों? जी बिल्कुल चाचा जी, एक पायल से तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि सच कैसे निकलवाना है। उसका तरीका है हमारे पास। ये क्या है? ये कैसे जड़ी बूटी है दादाजी, कि जिसे खाने के बाद कोई भी इंसान चाहकर झूठ नहीं बोल सकता। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।